हेलो एवरीवन, दिस इज फैंसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन ट्विन। आज मेरा टॉपिक है फाइव प्रॉब्लम्स एंड वन सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम है नंबर वन एक्ने, स्कार्स, सन टैन, ओपन पोर्स एंड द लास्ट वन इज फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। बीइंग अ नेचुरोपैथ सभी मुझे पूछते हैं कि मेरे स्किन में ये प्रॉब्लम है तो आप कुछ बोल दो, तो मैं उनको बोल देती हूँ। तो कोई मुझे पूछते हैं कि मेरा सन टैन का प्रॉब्लम है तो कुछ रेमेडी आप बता दो, तो मैं उसको बता देती हूँ। तो फिर वो लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं, ये वाला पैक तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मेरा स्किन ड्राई है, ये यूज़ करने से और भी ड्राई हो जाएगा। तो कोई मुझे बोलता है कि नहीं, मेरा तो एक्चुअली कॉम्बिनेशन स्किन है, ये लगाने से, ये अप्लाई करने से मेरा एलर्जी हो जाएगा। तो मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है कि किसी को ड्राई स्किन है तो किसी को ऑयली स्किन, तो किसी को कॉम्बिनेशन स्किन, तो वो भी देखना पड़ता है। तो अभी बाज़ार में इतना सारा YouTube चैनल है और उसमें इतना सारा रेमेडीज होता है, तो अभी सब लोग ना कंफ्यूज हो गया है कि क्या यूज़ करूँ और क्या नहीं करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, और एक प्रॉब्लम है कि अभी सभी बहुत बिजी होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअली ये जितना भी रेमेडीज, जितना कुछ ट्रीटमेंट आप करो ना, तो वो शाम को या रात को ही करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे मतलब घर पे आने के बाद एक लेथार्जी जैसा आ जाता है कि नहीं चलो आज छोड़ देते हैं तो कल करेंगे या तो परसों करेंगे। तो ऐसा करते करते दिन निकल जाता है और वो नहीं हो पाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक सिंपल रेमेडी जो हम लोगों के किचन में ही होते हैं, तो उसी से सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, ताकि मतलब किसी को वो लेथार्जी ना आए कि नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे। तो आप डिस्कस करते हैं कि वो ट्रीटमेंट क्या है, वो रेमेडी क्या है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ये है हानि। इसमें भी एक बात है कि बाजार में जितना आपका शहद जो मिलता है ना, जैसे कि डाबर का हो या तो पतंजलि का हो, तो वो चीज वो सब यूज ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें ना शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उसमें काम होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो आपको चाहिए मतलब ऑर्गेनिक हनी, और ऑर्गेनिक हनी आपको अमेजन में ही मिलेगा। मैं भी यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक हनी, जैसे कि ये है ट्यू, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, और ये भी मैंने अमेजन से ही मैंने ऑर्डर किए हैं। तो अमेजन में जाओ और अमेजन में देखो कि बहुत सारा ऑर्गेनिक हनी मिलता है, उसी से एक आप ऑर्डर कर लो, तो वही वाला आप खाओ या तो लगाओ जो भी हो, लेकिन ये ऑर्गेनिक हनी यूज़ करने से आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और उसका एक काफ़ी इफेक्ट आपको मिलेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस शहद और है नींबू। मतलब आपका रेशियो जो होगा ना सभी प्रॉब्लम्स के लिए, रेशियो सेम ही रहेगा कि एक चम्मच शहद और उसके साथ एक चम्मच नींबू का जूस, तो आपका प्रोपोर्शन एक ही होगा। हाँ, लेकिन आपका प्रॉब्लम के हिसाब से आपका इसका जो प्रोसीड्यूर जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे कि एक्ने, स्कार्स और सन टैन के लिए प्रोसीड्यूर एक होगा, ओपन पोर्स के लिए दूसरा होगा, और फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए दूसरा होगा। तो पहले इस तीनों के बारे में बोल देते हैं कि आपको एक्ने, स्कार्स और सन टैन के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले फेस को क्लींस कर लीजिए फेस वॉश या तो डी क्लींजिंग मिल्क के साथ। क्लींस करने के बाद आप इस मिक्सचर को आप ब्रश से आप अप्लाई कीजिए, 15 मिनट रखिए, फिर नॉर्मल पानी से धो दीजिए। धोने के बाद आप कोई जो कुछ आप यूज़ करते हैं रात को, जैसे कि एलोवेरा जेल हो या तो मॉइस्चराइजर हो या नाइट क्रीम हो, तो वो लगा लीजिए। आप बाकी रहा आपका ओपन पोर्स, ओपन पोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको फेस वॉश या तो डीप क्लींजिंग मिल्क से आपको फेस को क्लींस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको हॉट टॉवल लेना पड़ेगा एक मिनट के लिए, एक मिनट या तो दो मिनट के लिए आपको हॉट टॉवल आपको लेना पड़ेगा। फिर हॉट टॉवल के बाद
मिक्सचर को अप्लाई कीजिए, 15 मिनट रखिए, फिर नॉर्मल पानी से अब धो दीजिए। लेकिन आप अगर एक्ने स्कार्स और सैंड टैन के लिए यूज करते हैं तो ये इसके लिए आप हफ्ते में 2 दिन यूज करें तो ठीक है। अगर ओपन पोर्स के लिए यूज करते हैं तो हफ्ते में 3 दिन यूज करना चाहिए मिनिमम, तब जाके आपका ये जो ओपन पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। आप बाकी रहा अब लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉब्लम जो है वो है फाइन लाइंस और रिंकल्स। एक्चुअली यही वाला आज मेरा मेन मुद्दा है, मतलब इसके लिए मैं ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट, मीन्स फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। एंड उसके लिए भी प्रोसीड्यूर सेम ही होगा, आफ्टर क्लीनिंग अप योर फेस अलॉन्ग विथ फेस वॉश और डीप क्लींजिंग मिल्क, यू हैव टू अप्लाई दिस पैक। एंड मेरे फेस को मैंने क्लींस कर लिए है एक्सेप्ट आई एरिया एंड लिप एरिया छोड़ के। एंड फॉर दिस पैक वी नीड 1 teaspoon ऑफ हनी एंड 1 teaspoon ऑफ लेमन जूस। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक हनी ड्यू, मैंने इसको अमेजन से मैंने ऑर्डर किए है। बाजार में जितना भी हनी मिलता है ना तो उसमें शुगर कंटेंट्स इतना ज़्यादा होते हैं, तो वो खाने के लिए हो या तो पैक में यूज़ करने के लिए हो तो उसमें कितना रिजल्ट आएगा आई जस्ट डाउट। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अमेजन पे जाइए, वहाँ पे शुगर फ्री ओरिजिनल मतलब ऑर्गेनिक हनी आपको मिलेगा, तो वही यूज़ करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 1 चम्मच शहद मैंने ले लिए है और इसके साथ 1 चम्मच करीबन 1 चम्मच एक्चुअली 1 teaspoon भी नहीं चाहिए, उससे भी कम चाहिए। शहद का मतलब हनी का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अगर आप 1 चम्मच हनी लेते हैं तो उसके साथ आपको लेना पड़ेगा करीबन 1/2 चम्मच नींबू का रस। तो मैं यहाँ पे नींबू का रस मैं ले रही हूँ करीबन 1/2 चम्मच। तो इसको हम पहले मिला लेते हैं। आप हाथों से भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ब्रश यूज कर रही हूँ। आप नेक पे भी यूज कर सकते हैं अगर आपके नेक में रिंकल्स है तो। तो इसको ना पहले 15 मिनट के लिए सूख जाने दीजिए, क्योंकि करीबन 10-15 मिनट लगता है इसको सूखने में। तो 15 मिनट के बाद आते हैं और आके हम दिखाएंगे कि कैसे आपका ये लाइफ लाइंस और ये जो फाइन लाइंस है ये रिमूव हो जाएगा विदिन अ मंथ। सो फ्रेंड्स, मेरा पैक ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और किचकिची से लग रही है। तो अभी हम दिखाएंगे कि क्या करने से आपका ये फाइन लाइंस और लाइफ लाइंस 1 महीने के अंदर रिमूव हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो डेली बेसिस में आपको करना चाहिए। अगर डेली बेसिस पे नहीं होता है तो हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन कीजिए, लेकिन टाइम का जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वो 15 मिनट से 1/2 घंटा या तो एटलीस्ट 20 मिनट्स आप कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 उंगली से आपको फेस को डैप करना पड़ेगा। तो डैप करने से क्या होगा ना कि आप देखोगे कि आपका फेस का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाएगा, और थोड़ा बहुत डैप करने से आपको थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा पेन आपको फील होगा।
तो बीच बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं, मतलब कंटिन्यू आप इसको मत कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आई एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कीजिएगा, और यहाँ पे अगर नेक पे अगर रिंकल्स है तो नेक पे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि मेरा फेस का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है और थोड़ा सा पेन तो हो रहा है। सो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। फिर से स्टार्ट करें। तो आप ना ऐसे करते रहिए जितना आपके पास टाइम है या तो आपके लिए पॉसिबल होगा, बट आज मैं ऐसे ही आप लोगों को मैं अलविदा मैं कहूँगी क्योंकि मुझे और भी इसको करना है, आगे जारी रखना है इसको, क्योंकि ड्यू टू माय जॉब ड्यू टू माय डांस क्लासेस मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मैं कर रही तो मैं आगे भी मैं करूँगी, और पूरा तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि इससे क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी। सो आई थिंक यू लाइक द वीडियो एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सम एक्सटेंट। सो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट व्हेनेवर आई विल बी अपलोड माय वीडियो। सो टिल देन।